अंदर जो डिग्नेटरीज आए हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही है उनको मोटिवेट करने के लिए, स्पेशली वो कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो ये कहना चाहूँगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और जो कोई भी कैंसर का नाम सुनता है तो डर ही जाते हैं, तो कोशिश यही है कि कैंसर किसी को ना हो। हरीश शेट्टी जी, सुपर्णा जी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं, और काफ़ी सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं कि एटलीस्ट हम एक साथ मिलकर अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम ये सब उपचारें नहीं लें जो कि कैंसरस हो। सर, मेरा तो एक पर्सनल एजेंडा था यहाँ पे आने का। मेरे फादर जो थे कुछ टाइम पहले उनको कैंसर हुआ था और उनका क्योर हो गया, थैंक गॉड। और हमें रियलाइज़ हुआ कि जो खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी ज़िंदगी में। सो आई थिंक इसीलिए मैं इसे जुड़ पाया साथ में, कि मुझे डेफिनेटली अवेयरनेस इस बात की थी कि खाना जो होता है हमारी ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है, और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो कित हॉरिबल तरीके से हमारे सिस्टम में जहर फैलाते हैं, और इसी को सपोर्ट करने में यहाँ पे आया था। आई वांट टू थैंक हरीश जी एंड सुपर्णा मैम फॉर कॉलिंग मी हियर एंड ऑल द बेस्ट टू देम। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में, स्पेशली कैंसर को लेके, तो उस बारे में क्या करना चाहिए टू स्प्रेड अवेयरनेस? सी, वी आर आर्टिस्ट, सो इन वॉट एवर वे दैट हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम थ्रू मीडिया, थ्रू परफॉर्मेंसेस, थ्रू मे बी मे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म थ्रू विच यू विल बी एबल टू गेट टू मोर ऑडियंस। एंड हम ये बताना चाहेंगे कि आप जो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, इट इज़ पॉइजनस एंड समटाइम्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट बट नॉट फॉर अ कॉमन मैन। वेल, एज एन आर्टिस्ट डेफिनेटली परफॉर्मेंसेज हेल्प करते हैं टू रीच आउट टू मोर पीपल, चाहे डांस हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, उसके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करना हमारी जिम्मेवारी बनती है एज एन आर्टिस्ट, एंड डेफिनेटली वी विल डू दैट, एंड वी हैव प्रॉमिस्ड दैट टू द टीम ऑफ अंबा गोपाल फाउंडेशन दैट वी विल टेक सच इनिशिएटिव एंड होपफुली यू सी लॉट मोर ऑफ इट। आई थिंक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट एवरी स्टेप ऑफ द वे। ऑल्सो इस तरह के इवेंट कितना हेल्प करते हैं स्प्रेड अवेयरनेस? इतना जो इतने लोग जो आए हैं आज, वो ही दिखाते हैं कि इन लोग दे आर वेरी मच वॉन्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो एक साथ ही हो सकेगा, यूनाइटेड ही हो सकेगा, बूंद बूंद करके एक समुंदर होता है, उसी हिसाब से हम वही विश्वास करते हैं, हम वही कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये जब हम कैंसर की बात करते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे संस्था अंबा गोपाल को, अन्ना को? हाँ, तो मतलब जो हरीश अन्ना ने जो मतलब ये कोशिश की है, हरीश अन्ना और हमारी वानखेड़े मैडम है, माई देशमुख है, इन्होंने मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर डे के अवसर पर कैंसर ना हो उसके लिए भी मतलब जो खेती होती है, खेती कैसी होनी चाहिए, जो यूरिया होता है, अलग अलग मतलब जो खत का उपयोग करते हैं उनसे कैंसर की संभावना होती है, तो इसीलिए मतलब जो अलग जो खेती है वो खेती करने की आवश्यकता है, और उसके लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारा फंडिंग मतलब रखा है, तो कैंसर ना हो इसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। कैंसर अगर होता है तो वो कैंसर खत्म करने के लिए भी मतलब जो दवा होती है उसका भी उपयोग करने की आवश्यकता है, और इसीलिए मतलब कैंसर एक बहुत ही सीरियस मतलब डिसीज़ है और उसको खत्म करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि हरीश अन्ना ने जो आज सेमिनार रखा था, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इधर आया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इधर आया था, और भारत सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए कैंसर पेशेंट को, जो भी मदद चाहिए उसके लिए मतलब सरकार काफ़ी एक्टिव है, और इसीलिए आज कैंसर ना हो इसके लिए हम सब लोगों ने कोशिश करनी चाहिए, और ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो मतलब जो कैंसर जो होता है, तो जिस तरह जो अलग अलग ऑयल होता है उससे भी क्या कैंसर होता है, जो मैंने पहले भी बोला कि यूरिया जो खत होता है उससे भी मतलब जो अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती है, वो खाने से भी मतलब कैंसर की संभावनाएँ होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि भाई ऐसा खाना छोड़ना चाहिए, और किसानों का ट्रेनिंग होना चाहिए, मतलब मैं ज़रूर मैं भारत सरकार जो बात कर मतलब सरकार में मैं हूँ, तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उनके माध्यम से ही जो किसान है, किसानों को ट्रेनिंग देना, स्किल ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, और इसी तरह की जो खत होती है तो ऐसे पर अगर उससे अगर कैंसर होता है तो उस पर पाबंदी लगाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी मतलब भारत सरकार की तरफ से ज़रूर हमको कोशिश करेंगे कि ऐसे जो खत से अगर कैंसर होता है
वैसे खतों पर रासायनिक द्रव्यों पर मतलब बैन लगाने की आवश्यकता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, रामदास जी यहाँ पे आए हैं और आपको लगता है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि लोग भी इस हाँ मतलब ऐसा इसी तरह का सेमिनार होते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक मतलब ये बात पहुँचती है। तो मतलब खेती कैसी होनी चाहिए इसकी भी जानकारी मिलती है, कैंसर होने के बाद भी क्या करना चाहिए इसकी भी जानकारी मिलती है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार होना बहुत बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ऐसे सेमिनार मुझे लगता है कि गांव-गांव में तहसील में भी होना चाहिए। जो भी किसान जो है, किसानों को ऐसी खेती नहीं करनी चाहिए, ऐसा खत का यूज नहीं करना चाहिए, इसी तरह की जानकारी अगर उनको भी मिलती है तो मुझे लगता है कि भाई किसान भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सर इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं तो फिर भी हमारी कागजाती हम बोल सकते हैं, और हॉस्पिटल्स की बात करें तो काफ़ी महंगे हॉस्पिटल्स है टाटा को छोड़ के, तो फिर इस बारे में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट नहीं क्या करती है? नहीं मतलब जिस तरह टाटा अस्पताल है, टाटा अस्पताल में पूरे ऑल इंडिया के पेशेंट आते भी है, लेकिन आप किसी भी शहर में जाओगे तो बहुत सारे शहरों में कैंसर अस्पताल है, और खाली कैंसर अस्पताल नहीं तो दूसरे भी अस्पताल है उसमें कैंसर का डिपार्टमेंट होता है और वहाँ कैंसर का इलाज किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को बचाने का काम भी बहुत सारे अस्पताल के माध्यम से होता ही है। लेकिन जो मैंने मेरे भाषण में भी बोला कि फर्स्ट सेकेंड क्या बोलते हो उसको, हाँ फर्स्ट सेकंड जो स्टेज होता है तो वो अगर जब मालूम होता है तो इलाज हो जाने के बाद आदमी बच सकता है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ के स्टेज पर अगर मालूमत होती है तो आदमी नहीं बच पाता है। तो इसीलिए एक तो इसमें दो काम करना है कि कैंसर नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी मतलब हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, इसकी जानकारी भी मिलनी चाहिए। और दूसरा ये है कि कैंसर होने के बाद उसको जल्दी से जल्दी कैसा इलाज करे और अपनी ज़िंदगी कैसी बच जाए। तो इसीलिए बहुत सारे पेशेंट के माध्यम से डॉक्टर्स अपने यहाँ एक्सपर्ट है, नई नई दवाई आ रही है और बहुत सारे लोग बच रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि भाई कैंसर हो गया तो आदमी बचता नहीं था, लेकिन अभी फर्स्ट सेकेंड स्टेज को मालूम होता है भाई इनको कैंसर हुआ है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ये भी करने की आवश्यकता है। और जो बच्चे होते हैं आजकल मैंने देखा है कि 8-9 साल के बच्चों को भी कैंसर होता है, मतलब ऐसे भी जो बवाड़िया अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी मतलब बच्चे जो होते हैं कि कैंसर पेशेंट दिखाई देते हैं, तो ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। इसलिए मुझे लगता है कि कैंसर ये बहुत ही बड़ा ये डिसीज है और इसको खत्म करने की आवश्यकता है। उसके लिए ज़रूर हम भारत सरकार की तरफ से ज़रूर हम बहुत सारे अस्पतालों को मदद करेंगे, कैंसर पेशेंट को मदद करेंगे। ठीक है, हाँ कैंसर झालेल्या लोकांना मराठीत का हिंदी, हाँ जिनको कैंसर हुआ है तो उनको हमारा निवेदन ये है कि जो डॉक्टर ने बोला है उसी तरह अपनी दवा लेनी चाहिए टाइम पर, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, और जो डॉक्टर ने बोला है उसी तरह करने की आवश्यकता है। जो नहीं खाने के लिए बोला है नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मतलब डॉक्टर ने जो एडवाइस दिया है उसके मुताबिक अगर पेशेंट उसी तरह अगर बर्ताव करता है, उसी तरह अगर वो काम करता है तो मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे कैंसर पेशेंट बच सकते हैं। तो सभी कैंसर पेशेंट को मेरा निवेदन है कि अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, अपनी ज़िंदगी को बचाना है तो आपने डॉक्टर को जो सलाह होती है उसको आपने मानना चाहिए, ऐसा सभी कैंसर पेशेंट को मेरा नम्र निवेदन है। और आज इंटरनेशनल कैंसर डे है, लेकिन कैंसर डे नहीं, कैंसर नो के कैंसर डे, ये आज का दिन है और कैंसर नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके संबंध में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। कैंसर देखिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती बढ़ावा देना चाहिए, हमें किसी भी कीमत पे जंक फूड से दूरी बनानी चाहिए, और ये जो केमिकल का, खाद का, पेस्टिसाइड वाला जो खेती करते हैं इसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक फूड पैदा करें। जैसे आदरणीय रामदास जी अठावले जी बता रहे थे, गांव-गांव में, तहसील-तहसील में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए
और किसान को ये बताना चाहिए कि ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है और ये खाद केमिकल के खाद पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो और जंक फूड ना खाया जाए और योगा प्राणायाम सात्विक भोजन किया जाए, यही एक कैंसर को दूर करने की सबसे अच्छी दवा। सर, इसके अलावा अवेयरनेस लोगों में कितनी जरूरी है, इस तरह का इवेंट होना कितना जरूरी है? अवेयरनेस तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने अपने भाषण में ही बताया था अभी कि ये एक भाषण नहीं दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं। कैंसर अपने आप में देख के कितना डर लगता है और उसका कारण क्या है कि सात्विक भोजन नहीं है। हम अपने दिमाग को बिजी रखते हैं मोबाइल में, कितनी रेडिएशन है मोबाइल में, आज पक्षी तो मर गए, अब उनसे कितना जब तक दिमाग में योगा प्राणायाम की भी ज़रूरत है, सात्विक भोजन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और हर हालत में जो आज ये अम्बा फाउंडेशन ने काम किया है ऑर्गेनिक खेती का, ये सबसे बड़ा मददगार होगा कैंसर को दूर करने में, ऑर्गेनिक खेती जाए, केमिकल ना खाया जाए। धन्यवाद। I feel this is a need of the hour, Amba Gopal Foundation, the way they are trying to create natural farming, natural food for a healthier generation, I think. जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद डर गई थी एज अ होम मेकर कि मेरी फैमिली क्या खाना खा रही है, जिसमें हर चीज़ में पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है, और फल हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, नॉनवेज हुआ, एवरीवेयर देयर इज़ ओनली केमिकल्स एंड दैट इज़ व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। अच्छा, भूखे तो नहीं रह सकते, तो खाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा डर रही थी कि कैसे रहेगी आगे की जनरेशन, मेरी फैमिली का क्या होगा। बट जैसे ये अभी ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का जो वेव आया है, विच इज़ वेरी गुड, एंड अम्बा गोपाल फाउंडेशन के हरीश शेट्टी और सुपर्णा वानखेड़े जी मिलके जो अच्छा काम कर रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग का, मेरे ख्याल से यही सभी को अपनाना पड़ेगा अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है। ज़िंदगी तो सब जी रहे हैं, लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लंबी खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, तो डेफिनेटली नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। मैं इरफान खान साहब की बात करूँ, जिक्र हुआ अंदर, मैं ऋषि कपूर साहब की बात, वेल एजुकेटेड लोग हैं, काफ़ी अच्छी सोसाइटी से आते हैं, उसके बावजूद कैंसर इसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, कहाँ कहाँ चूक हो जाती है, वो चूक नहीं है। मुझे लगता है ये पर्सनल लेवल पे हर एक का स्ट्रेस लेवल अलग होता है, हर एक की कंडीशंस अलग होती है बड़े होने की, जिस एरिया में रह रहे हैं। जैसे राज कपूर साहब का ये हुआ था कि वो केमिकल ओरिएंटेड एरिया में रहते थे, जो चेंबूर था, और जिसकी वजह से उनको कैंसर हुआ था, जो पहला बहुत बड़ा हादसा था हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। और उसके बाद आज की तारीख में भी वही है कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ अप टू यू हाउ मच स्ट्रेस यू कैन टेक, हाउ मच फिट यू कैन कीप योर सेल्फ। मुझे लग रहा है कि जो बाकी भी चीज़ें हैं फिटनेस के लिए, कि योगा है, एक्सरसाइज है, अपार्ट फ्रॉम गुड ईटिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। और ये सब चीज़ें अगर, और बुरी आदतें ना रहे, जैसे सिगरेट स्मोकिंग हुआ, या ड्रग्स लेना हुआ, या ड्रिंक्स लेना, अल्कोहल हुआ, ये सब चीज़ें हैं, या और भी कोई बुरी आदतें हैं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जानकारी नहीं है, लेकिन इन सब बुरी आदतों से भी थोड़ा दूर रहे तो मुझे लगता है कि अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे सब। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है और सामाजिक दायित्व है कि हम समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, भाईचारे के लिए, पूरे विश्व के लिए करें। जो विश्व का निर्माण ईश्वर ने किया है वो कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से और हमारे लालच की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। बीमारी एक स्वाभाविक चीज़ है, जो पैदा हुआ है वो नश्वर है, उसका खात्मा होगा, लेकिन समय से पहले ख़त्म होना, वो उसकी वजह हम सब हैं, क्योंकि हमने वो जिम्मेदारियाँ ली नहीं जो हमें लेनी चाहिए। ईश्वर संकेत देता है, उन संकेतों को, उन संकेतों को, उन सिग्नल्स को समझना, पहचानना, उसके प्रति अग्रसर होना और जागरूकता लाना, ये हमारा कर्तव्य है। मैं हरीश शेट्टी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सुपर्णा जी का, जिन्होंने साथ मिलके ये नेक काम के लिए पहल किए, और इन्होंने भी कहा कि मुझे जो एक सिग्नल है, संकेत ऊपर से आया, ईश्वर ने कहा कि मुझे ये करना है, और सेल्फलेसली और रिलेंटलेसली, निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात आप लोगों को, कि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, जो हवा है, इसे हम लोगों ने ही प्रदूषित किया,
ये ईश्वर ने एक बड़ी खूबसूरत दुनिया की रचना की थी, लेकिन हमने इसे ख़राब कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वापस उसे उसी स्थिति में लाएं जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, और ये हम सब का दायित्व हो जाता है, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम सब इसे करें। और ये 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 ऐसा होता है जब कोई एक नेक कदम उठाता है तो उसको देखकर हमारे अंदर की नेकी भी जागती है और हमें लगता है कि हमें भी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। आइए, और तो जब ये पहल इन्होंने की और मेरे पास आए तो मुझे एक इस बात की शर्म आई कि मैं इसके बारे में जानता क्यों नहीं था। कैंसर को लेकर कई तरह की अफवाहें और कई तरह की खबरें उड़ती रहती हैं और लोग कैंसर के नाम से यूं घबराते हैं जैसे साक्षात यमराज सामने खड़ा, और एक तरीके से देखा जाए तो वो सच भी है, लेकिन कैंसर का इलाज भी आ चुका है, लेकिन कितने लोग इसका इलाज कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, हमें कैंसर क्यों हो अगर हम कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये सारी पहल है। इन्होंने कहा कि जो तत्व भगवान ने जो 5 तत्व दिए हैं उसमें से 3 तत्व जो है वो हवा, पानी, खाना, वो प्रदूषित हो चुका है, उसके बारे में हमें खुद कुछ पहल करने की ज़रूरत है। और ये होश है, होश की जो स्थापना इन्होंने की है, ये वाकई एक तरह से देखें तो हेल्पिंग अ सोसाइटी हील, होश। और होश एक तरह से एक मेटाफर भी है, क्योंकि जब तक आप होश में नहीं रहेंगे तब तक आप जागरूक कैसे होंगे? आप हमेशा बेहोशी के आलम में रहेंगे, और उस बेहोशी के आलम में ही कब आप मौत की गोद में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा ये दायित्व हो जाता है कि हम खुद को तो संभालें, दूसरों की जानें भी बचाएं। और एक बार फिर से ढेर बधाई के पात्र हैं जो जिन्होंने आहार वेदा की शुरुआत की, जहां लोग जा सकते हैं अपना मनपसंद खाना स्वाद के साथ खा सकते हैं बगैर किसी हानि के। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग स्वाद के चक्कर में अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो तबाह कर रहे हैं। फास्ट फूड और जंक फूड और पैकेज फूड और प्रेजर्वेटिव जो होते हैं उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है। कैंसर हर जगह छुपा हुआ है, वो एक हर आपके जीवन में चारों तरफ अटैक करने के लिए बस इंतज़ार कर रहा है, आप उसे मौका दें और वो आपको दबोच लेगा। इसलिए आज का दिन बहुत अहम है कि हम फिर से एक बार मुस्तैद हो जाएं, तैनात हो जाएं, और इस कैंसर की लड़ाई में अंततोगत्वा हमारी जीत हो, ये हम अहद करते हैं और वादा करते हैं एक दूसरे से कि जितना हो सकता है, जितना हम कर पा सकते हैं, जितना हम सक्षम हैं, उतना हम हमेशा करते जाएंगे। थैंक यू हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और आपका थैंक यू सो मच। जी जी, मेरे लिए ये हौसला अफजाई बहुत मायने से ज़्यादा, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, क्योंकि जिन लोगों का नाम शेखर जी ने लिया वो समर्थ हैं उनकी चिकित्सा करने के लिए, लेकिन एक श्रेणी ऐसा भी है जिन्हें शायद पता ही नहीं चलता कि मुझे कैंसर हुआ है, और अगर उन्हें पता चल भी जाए, जैसे हमने एक बच्चे को देखा जो मैंने और शेखर जी ने एक दूसरे की आंखों में देखा, एंड इट वॉज जस्ट अ फीलिंग वी पास्ड ऑन टू ईच अदर, कि 2-3 साल का बच्चा उससे एंड ही जस्ट आस्क्ड मी ऑन द स्टेज कैंसर है सुपर्णा इससे, मैंने बोला हाँ शेखर जी से कैंसर है, तो और जब पता चले तो शायद ईश्वर ना करे काफ़ी देर हो चुकी होती है, या और अगर पता चल भी जाए तो पैसे नहीं होते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे लिए, कैंसर वो बीमारी है जिसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और करती हूँ, लेकिन इंसान चाहे तो भी इलाज इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है। दैट इज़ समथिंग विच ट्रबल्स मी ऑल द टाइम कि क्या किया जाए कि इसका जो पैसे का रूपांतर है वो कम हो जाए, कि अगर सरकार थोड़ी एड ज़्यादा दे या पॉलिसी मेकर्स ऐसी चीज़ें बंद कर दें जिससे ये बीमारी होए तो फिर पैसे जमा करने की उस इंसान को ज़रूरत ना पड़े, वो क्या करे, अपना घर बेचे, जेवर बेचे। हमें इस बारे में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, और मैं इस मंच पर शेखर जी से समर्थन पाके और बाकी सभी दिग्गज जो आए जिन्होंने हमें समर्थन दिया, मैं पॉलिसी मेकर्स को अपील करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस बारे में सोचें कि कैसे इसको हम होने ही ना दें लोगों में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ मैसेज विच आई वुड लाइक टू लीव दिस। यस, थैंक यू। मेरा एक ही है कि लोगों को डर और दर्द से मुक्त हो जाए, दवा मुक्त हो जाए, और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए परमात्मा ने पहले से ही सुविधा बनाई है
उस सुविधा को आप जैसा परमात्मा ने रखा है उसी तरह रखकर हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, बस ये कहना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर के काम में और प्रकृति जो है, जो नेचर, उसके काम में हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, दखल तो जब भी ऐसा होगा तो ज्वालामुखी फटेगा, वो फिर दावानल होगा, वो एक जो है पूरी चीज, जो शिव का तीसरा नेत्र जब खुलता है तो आपको पता है पूरी दुनिया भस्म हो जाती है। तो शिव के साथ, शिव की शक्ति के साथ, दुनियावी शक्ति के साथ, ईश्वरीय शक्ति के साथ या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि उसका नतीजा फिर हम ही भुगतेंगे और भुगत रहे। तो इसके बारे में हमें फौरन कुछ करना जरूरी है और वो शुरुआत हो चुकी है, हमें सिर्फ इससे जोड़ना। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं खा रहा हूँ साफ सुथरा है, जो मैं जो सांस ले रहा हूँ वो प्रदूषण रहित हो। लेकिन मैं दो चार चीज़ें बहुत अवॉइड करता हूँ, बाहर कहीं भी जाके कोई भी अंटशंट चीज़ें नहीं खाता हूँ, कहीं से भी कुछ किसी तेल में तल रहा है, कहाँ बनाया गया है, कितना बासी है, पैकेज फूड नहीं खाता हूँ जिसमें मुझे मालूम है प्रिजर्वेटिव दिया गया है, मैं माइक्रोवेव नहीं यूज़ करता हूँ, मैं नॉन स्टिकिंग पैन या कोई भी बर्तन नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मैं मोबाइल जो है वो ईयरफोन के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जितना एहतियात मैं बरत सकता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन हर चीज़ पे मेरा बस नहीं, हर चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे चावल, दाल, ये वो फल जो आते हैं, मैं सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ उन लोगों को जो ये बनाते हैं, उगाते हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, कि धन के लालच में या पैसे के लालच में लोगों की जानें न लें, और ये उनका दायित्व हो जाता है। आप कुछ पैसे कम कमाएं लेकिन आप एक बहुत सुख की नींद सोएंगे ये सोचकर कि आपकी वजह से कई जानें बच गईं, ये समाज बच गया, इंसानियत बच गई, और आप खुश होकर जी सकेंगे, बजाय इसके कि आपने अपनी तिजोरी तो भर ली लेकिन किसी के यहाँ कफन का इंतज़ाम कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार की हो गई, इस आपाधापी में हमने सोचना बंद कर दिया कि जब तक ठोकर खा के न गिरे हम नीचे देखने ही वाले नहीं हैं, हम सर ऊपर उठा के दौड़ रहे हैं। ज़रूरत है उस ठहराव की, ज़रूरत है, गति अपनी जगह सही है लेकिन गति के साथ सन्मति भी होनी चाहिए, उसके साथ अपनी ज़हनियत भी होनी चाहिए। सोचने की शक्ति क्षीण हो गई है, कमज़ोर हो गई है, उसको जागृत करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और अवेयरनेस के बाद जो कहा जा रहा है उस पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है।